देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर थर्ड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, गिव कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ छह टर्मिनोलॉजीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनकी कंपोजिशन हमें बतानी है, ये क्वेश्चन है। और इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में पूछा गया हो क्वेश्चन। और 3 मार्क्स में भी अगर नहीं पूछा जाता तो 1-1 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है। ये मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं ताकि आप समझ सको। कि किस किस चीज की बात हो रही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, किन किन ऑर्गन्स का ये मिलके बना है। बिकॉज दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज दिस इज सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सो ऑर्गन्स का बना होगा, वो ऑर्गन्स कौन से हैं ये बताना है कंपोजिशन में। सिमिलरली मेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। सिमिलरली फीमेल्स की तीनों चीजें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल एसेसरी डक्ट्स एंड फाइनली फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। देखो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ऊपर जाते हैं। ये सिक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, इनकी कंपोजिशन बतानी है हमने। सो फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में लिखते हैं हम सबसे पहले बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, स्कीन्स ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, सो ये 3 ग्लैंड हैं फीमेल्स में। इसी तरह से 3 ग्लैंड होंगे मेल्स में, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। 3 ही ग्लैंड मेल्स में हैं। अब बात करते हैं डक्ट्स की। फीमेल्स में 3 डक्ट हैं, ओवी डक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। सर्विक्स डक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन वो एसेसरी डक्ट नहीं है बिकॉज यूट्रस का ही पार्ट है। जैसे ओवी डक्ट को फेलोपियन ट्यूब हम कह रहे हैं, इसी तरह से यूट्रस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, सो यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स, तो सर्विक्स को यहां नहीं लेंगे हम, इसीलिए यूट्रस, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना। मींस ये
इस तरह की स्ट्रक्चर हम बनाते आए हैं बार बार, ये ओविडक्ट, ये यूट्रस और ये वेजाइना, ये तीन एसेसरी डक्ट हैं। अब तक तीन तीन चीज ही चल रही है, तीन एसेसरी ग्लैंड्स इन फीमेल, तीन एसेसरी ग्लैंड इन मेल्स, तीन एसेसरी डक्ट इन फीमेल्स। लेकिन मेल्स में एसेसरी डक्ट चार होती हैं, फीमेल्स में तीन होती हैं और मेल्स में चार। फर्स्ट है रेटेड टेस्टिस, सेकेंड इज वासा इफ्रेंशिया, थर्ड इज एपिडिडाइमिस एंड द लास्ट वन इज वास डिफरेंस। सो मेल्स के केस में एसेसरी डक्ट्स चार हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो अब जाहिर सी बात है एक पार्ट तो हो गया डक्ट्स, एक पार्ट हो गया ग्लैंड्स, एक हम लेंगे ओवरी और एक लेंगे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो ये चार पार्ट्स का बना है, पहले तीन स्ट्रक्चर आ गई तीन तीन पार्ट्स वाली, फिर ये चार पार्ट्स की बनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डक्ट्स चार पार्ट की बने थे मेल्स मेल्स के, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चार पार्ट्स का बना है, क्या ओवरी, डक्ट्स यानी एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स यानी एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओवरी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ही ऐड हुए हैं इसमें, अदरवाइज डक्ट्स और ग्लैंड्स तो हम कर चुके हैं। अब यहां पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, ओवरी और ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम समेट सकते हैं इसको कि एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स की बात हो रही है। सिमिलरली मेल में भी है, टेस्टिस टेस्टीज कर देते हैं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहां पर भी चार पार्ट्स हो गए, टेस्टीज, डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एनसीईआरटी में गिवन है लेकिन कंफ्यूज बहुत करता है, इसीलिए मुझे एक जगह पे इसको मेंशन करना जरूरी था। अब देखो आप एक चीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ मेल्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन स्ट्रक्चर, दैट इज पेनिस, बट इन केस ऑफ फीमेल्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया फर्दर कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। दीज आर दी 5 स्ट्रक्चर्स जो फीमेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।